हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल engineer.87। सो फ्रेंड्स, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक हिंदी मोटिवेशनल क्वोट्स कहना चाहता हूँ। सो आप ध्यान से सुनना कि सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है सो फ्रेंड्स, हर एक वीडियो में मैं आपके लिए मोटिवेशनल क्वोट्स लेके आऊँगा। और अगर आपका प्रैक्टिकल एजुकेशन आपको चाहिए कि आर्डिनो का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, हम आर्डिनो को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने मेरी चैनल पे एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। वहाँ मैंने बेसिक से स्टार्ट करके स्टैंडर्ड तक जाने की कोशिश की है। सो आप एक से बाद एक वीडियो देख के आप आर्डिनो का आसानी से आप उसे सीख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आर्डिनो के यूज से हम LCD है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं इसका प्रोग्रामिंग भी आपको सिखाने वाला हूँ वेरी इजी वे में और हिंदी में। और आप अगर इंजीनियर नहीं है फिर भी आप इसका प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे, ऐसा मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पहले सर्किट बनानी है। सो सर्किट बनाने के लिए आपको क्रोम खोलना है और क्रोम के अंदर www.tinkercad टाइप करना है, फिर अकाउंट बना लेना है, मेरा ऑलरेडी बन चुका है। फिर उसके अंदर सर्किट्स में जाना है और उसके बाद क्रिएट ए न्यू सर्किट में जाना है। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको वेरी इजी वे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा वर्क स्पेस है वो ओपन हो चुका है। अब मुझे कौन से कंपोनेंट चाहिए, तो पहले मुझे LCD चाहिए, एक LCD 16x2 वो मैंने ले ली। मैं सर्किट कैसे करने हैं वो भी एक एक स्टेप में और वेरी स्लोली आपको सिखाने वाला हूँ। फिर एक मुझे ब्रेडबोर्ड चाहिए, ये मैंने ब्रेडबोर्ड ले लिया। अब एक आर्डिनो चाहिए मुझे, सो ये मेरा आर्डिनो हो गया। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। अब ब्राइटनेस, जो ये LCD है उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए मुझे पोटेंशियोमीटर चाहिए, ताकि मैं कंट्रास्ट को चेंज कर सकूं। ये पोटेंशियोमीटर, आज के इस वीडियो में इतने इक्विपमेंट यूज होंगे। सो चलिए अब सर्किट को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं ये पोटेंशियोमीटर को ज्वाइंट कर देता हूँ। और यहाँ पे ये बात आपको रिमेम्बर करनी है, मुझे रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस 10 kΩ लेना है। सो मैंने 10 kΩ वैल्यू डाल दी। सो अब मैं पहले ये पोटेंशियोमीटर को ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो इसमें कैसे सर्किट करते हैं, तो ये टर्मिनल 2 है, ये टर्मिनल 1 है, ये दोनों में से कोई एक यहाँ पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में आप ज्वाइंट कर सकते हो। अगर ये टर्मिनल 2 में नेगेटिव में ज्वाइंट करता हूँ, तो ये 1 है उसको आपको पॉजिटिव में ज्वाइंट करना है। सो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं ये 2 को लेता हूँ और नेगेटिव में ज्वाइन कर देता हूँ और उसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। और ये टर्मिनल 1 है उसको पॉजिटिव में ले लेता हूँ। आप दोनों चेंज भी कर सकते हैं, टर्मिनल 1 को नेगेटिव ये और टर्मिनल 2 को पॉजिटिव में ले सकते हैं। इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। अब क्या, ये बीच का जो होता है वो हमें LCD में कनेक्ट करना होता है, क्योंकि हमें, हमारा मेन मकसद क्या है, LCD की ब्राइटनेस को पोटेंशियोमीटर से हमें कंट्रोल करना है। सो ये हमारा LCD में आपको ये रिमेम्बर करना है। आप बार बार सर्किट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जो पोटेंशियोमीटर का बीच वाला पॉइंट है वो हमें
वो बीच वाला पॉइंट है वो हमें यहाँ वी जीरो कॉन्ट्रास्ट में, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा कॉन्ट्रास्ट, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। सो मैं बीच वाला पॉइंट वहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने बीच वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया, सॉरी, ये हो गया। और इसका मैं ग्रीन ले लेता हूँ। सो पोटेंशियोमीटर हमारा कनेक्ट हो गया। अब क्या करना है, अब ये एलसीडी में से, ये देखिए मैं जूम करता हूँ, ये ग्राउंड होता है तो ग्राउंड पहले हम ले लेते हैं। ग्राउंड यहाँ पे ग्राउंड में जाएगा। सो ये हो गया ग्राउंड, उसका ब्लैक। तो पहले कौन से ग्राउंड करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। तो ये ग्राउंड ग्राउंड में चला गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीसीसी है, वो कहाँ पे जाएगा, वीसीसी हमारा ग्राउंड में जाएगा। सॉरी गाइस, ये वीसीसी हमारा होगा वो हमें पॉजिटिव में डालना है, यानी कि यहाँ पे, ताकि वहाँ से ही हमें आउटपुट मिलेगा। सो उसको हमें पॉजिटिव में डालना है। सो इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। सो ये वीसीसी पॉजिटिव में गया। अब कौन सी पिन आई, आरएस, आरएस को हमें यहाँ आर्डिनो में कनेक्ट करना होगा, वो बाद में करते हैं। फिर ये रीड राइट, ये रीड राइट क्या होता है एलसीडी में, देखिए अगर आपको एलसीडी में राइट करवाना है तो ये रीड राइट है, इसको आप ग्राउंड करेंगे, और सिर्फ रीड करवाना है तो इसको हम पॉजिटिव में डालेंगे। तो आज हमें ये एलसीडी पे हमें राइट करवाना है, सो क्या करेंगे, इसको ग्राउंड करेंगे। सो ये रीड राइट को मैं ग्राउंड कर देता हूँ और इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। सो ये हमारा रीड राइट ग्राउंड हो गया। अब ये डेटाबेस 0, 1, 2 एंड 3, ये सारी पिन ग्राउंड में जाएगी। सो ये डेटाबेस 1 को मैंने ग्राउंड कर दिया, डेटाबेस 0, फिर ये 1 को ग्राउंड किया, फिर डेटाबेस 2 को ग्राउंड किया, फिर डेटाबेस 3, ये 3 है, 0 से 3 तक का जो डेटाबेस है वो हमारा ग्राउंड होगा। देखिए आप ये सर्किट एक बार में आप नहीं सीख सकते, कुछ भी चीज़ आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है सर्किट की, ताकि आपको सर्किट ज्वाइन करने में आसानी रहे। अब ये बाकी की जो सारी पिन है वो मुझे आर्डिनो के साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी। सो चलिए आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते हैं। पहले आरएस, आरएस मैंने लिया, वो मैं 13 नंबर पे ज्वाइन कर लेता हूँ। सो ये मेरा 13 नंबर पे ज्वाइन हो गया। ये सारी पिन को ग्रीन कर देंगे हम। फिर ये एनेबल है, एनेबल को मैंने 12 नंबर के साथ, ये सारी डिजिटल में जाएंगी क्योंकि हमें सिर्फ हाई और लो करवाना है। फिर ये डेटाबेस 4 है, वो 11 नंबर पे जाएगी। ये सारी पिन आर्डिनो में डिजिटल पिन आती है, और वहां पे आप ऑन ऑफ कुछ भी चीज करवा सकते हैं। ये डेटाबेस 5, वो मैं 10 पे ज्वाइन कर देता हूँ। अब ये लास्ट 6 और 7 भी है,
वो मैं 9 पे ज्वाइन कर लेता हूँ। और ये डेटाबेस 7, वो मैं 8 पे कनेक्ट कर लेता हूँ। सो ये हमारा हो गया। अब ये आर्डिनो को ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ग्राउंड दिख रहा है, वो ग्राउंड ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव में जाएगा। और ये 5 वोल्ट है आर्डिनो का, वो पॉजिटिव में जाएगा। और उसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ। सो ये हमारी सर्किट पूरी कंप्लीट हो गई है। आप देखिए, एक बार में इसको ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर मिस्टेक होगी। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी आप सही तरीके से आप सर्किट को ज्वाइन कर सकेंगे। सो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी इसके लिए। सो अब हम कोडिंग करते हैं, और उसके लिए मैं आर्डिनो के ऑफिशियल ऐप arduino.ide में क्लिक करता हूँ। अगर आपको ये पता नहीं है कि एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है और ये सब, तो आप ये प्लेलिस्ट है मेरी चैनल में जाके, IoT Arduino का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके फर्स्ट वीडियो आप देख लेना। सो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ Arduino में क्या होता है, अलग अलग लाइब्रेरी आती है। सो उसमें से एक है LCD की लाइब्रेरी। तो आपको पहले वो LCD की लाइब्रेरी को सिलेक्ट कर लेना है। सो आपको यहाँ स्केच में जाना है, फिर इंक्लूड लाइब्रेरी में जाना है, और फिर यहाँ लिक्विड क्रिस्टल है, इसको LCD कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी में जाना है। सो मैंने क्लिक किया। सो देखिए, यहाँ पे जो लाइब्रेरी है LCD की, वो इंक्लूड हो गई। अब मुझे क्या करना है कि पहले मुझे पिन जो मैंने कनेक्ट की LCD में, जो पिन थी वो सारी मैंने Arduino में कनेक्ट की है, तो वो कौन सी पिन है वो मैं पहले डिफाइन कर लेता हूँ। सो आपको लिखना है लिक्विड, ये जो लिखा है वही आपको लिखना है। सो ये लिक्विड क्रिस्टल, फिर कोई भी एक फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आसानी रहे इसके लिए मैं LCD ले लेता हूँ। LCD, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर तुम्हारा नाम लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ आसानी रहे इसलिए LCD लिखा। फिर हमें कौन सी पिन कनेक्ट की थी वो लिखना है। तो आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये 13 नंबर पे मैंने कौन सी कनेक्ट की है, ये मैंने 13 पे पहले RS कनेक्ट की है। तो RS लिखेंगे, फिर एनेबल कहाँ कनेक्ट हुई है वो लिखेंगे, फिर ये DB4, फिर DB5, 6, 7, ये सारी पिन Arduino में कहाँ कहाँ पे कनेक्ट हुई है वो हम लिखेंगे। सो पहले RS थी वो 13, फिर 12, मीन्स जो LCD की पिन है Arduino के साथ कौन सी कनेक्ट की है वो आपको लाइन में लिख लेना है। 13 पे किया है मैंने RS, फिर एनेबल को 12, फिर ऐसे 11 में डेटा कॉमा करके 11 में डेटा बेस लाइन आई थी, फिर वैसे ही 10 में, फिर 9 में आई थी, फिर लास्ट 8 तक था हमारा। सो 13, 12, 11, 10, 9 एंड 8, ये हमारी हो गई कि LCD की जो कनेक्टेड लाइन है Arduino के साथ वही मैंने लिखा है, कुछ नहीं है। फिर अब वॉइड सेटअप में हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ LCD हमने यूज़ की है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम है, फंक्शन है LCD.begin, ये Arduino का फंक्शन है। यहाँ देखिए, मैं यहाँ LCD के क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ फंक्शन LCD डिफाइन किया था, इसीलिए मैंने यहाँ LCD लिखा।
अगर यहाँ मैंने अपना नाम लिखा होता तो मैं यहाँ पे अपना नाम डॉट कर लिखता। अब फिर ब्रैकेट करना है मुझे, मैंने ब्रैकेट किया। अब एलसीडी दो टाइप की आती है, 16x2 एंड 20x4। तो आज मैंने 16x2 एलसीडी ली है, सो मैं क्या लिखूंगा, 16, 2, यहाँ क्रॉस नहीं लिखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कोलन। अब क्या होता है कि एलसीडी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, तो पहले उसको क्लियर करना पड़ता है ताकि सर्किट हमारी रिजेक्टेड ना हो, इसलिए पहले हमें क्लियर करना होता है एलसीडी डॉट क्लियर, ये फंक्शन आता है एलसीडी को क्लियर करने के लिए। सो वर्ड सेटअप का काम हमारा पूरा। अब नीचे आते हैं, वर्ड सेटअप में हम कौन से कोड टाइप करते हैं जो हमें रिपीट नहीं करवाने होते, और वर्ड लूप में जो हमें बार बार रिपीट करवाना हो वो हम लिखते हैं। सो वर्ड लूप में पहले एलसीडी को क्लियर कर लेते हैं फिर से एक बार। क्योंकि हमें बार बार क्लियर करना है एलसीडी को, ये हो गया। फिर कर्सर सेट करना होता है। देखिए एलसीडी में क्या होता है कि 16x2 की एलसीडी है, तो हमें पहले कर्सर सेट करना होता है। तो मैं उसके लिए फंक्शन है एलसीडी डॉट सेट कर्सर, ये फंक्शन है। और मुझे कहाँ पे सेट करना है, तो मुझे 0,0 पे सेट करना है, यानी कि जो टॉप राइट कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर है, वहाँ पे मेरा कर्सर सेट हो जाएगा। सो 0,0। अब एलसीडी पे आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, सो उसके लिए फंक्शन है एलसीडी डॉट प्रिंट। सो यहाँ पे आप कुछ भी स्क्रीन पे शो करवा सकते हो, तो मैं लिख लेता हूँ हेलो फ्रेंड्स, हेलो करवा लिया। अब मुझे क्या करना है, ये पहले लिख के आ जाएगा एलसीडी पे हेलो फ्रेंड्स। अब मुझे 2 सेकंड के बाद कुछ और प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए डिले आता है। ये मैंने आपको एलईडी के टाइम आपको सिखाया था, डिले आता है, ब्लिंक करते हैं एलईडी को तब, और माइक्रो सेकंड में होगी हमारी आर्डिनो में, तो 2 सेकंड के लिए मुझे 2000 लिखना पड़ेगा। तो ये 2 सेकंड का डिले हो गया। फिर मुझे एलसीडी को क्लियर कर लेना है, सो फिर से क्लियर, फिर से सेट कर्सर, मुझे सेट करना होगा सेट कर्सर। अब मुझे बीच में कुछ लिखवाना है, तो 16x2 है हमारी, तो बीच की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 7 हो गई, सो मैं 7,0 लिखूंगा। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। सो प्रिंट करवाने के लिए एलसीडी डॉट प्रिंट वेलकम टू, मुझे वेलकम टू प्रिंट करवाना है। सो मैंने वो लिख लिया, आपकी जो मर्जी वो आप लिख सकते हैं। फिर डिले, 2 सेकंड का मुझे डिले चाहिए। अब मुझे क्या, मुझे और भी कुछ प्रिंट करवाना है, तो पहले मैं एलसीडी को क्लियर कर लेता हूँ। ओके, फिर से मैं कर्सर को सेट करता हूँ, सेट कर्सर। अभी मैं 4,0 पे मेरा रखना चाहता हूँ, सो 4,0। ओके, फिर एलसीडी डॉट प्रिंट इंजीनियर डॉट 87 में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, सो मैंने वो लिख लिया, आप जो चाहे लिख सकते हैं।
मुझे ई कैपिटल करवाना है तो ई कैपिटल कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर से ये लूप मुझे बार बार चलाना होगा, सो एक बार डिले लिखना पड़ेगा, डिले 2 सेकंड का गैप। सो हो गया हमारा प्रोग्राम वेरी इजी। ओके, आपको रट्टा नहीं मारना है, समझना है एक एक लाइन को। कंट्रोल ए किया, फिर यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ जो कोड है इसको ब्लॉक कर देता हूँ, ये डिलीट, ये पेस्ट। ये पेस्ट हो गया, अब देखते हैं हमारा सही है कि नहीं। तो आपको यहाँ स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक आ गई है, मुझे चेक करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आपको भी मिस्टेक हो सकती है, तो ये देखिए मैंने यहाँ क्या मिस्टेक की है, 4 0 की जगह मैंने O लिख लिया है, सो 4 0 आएगा। ओके, यही मिस्टेक थी। तो चलिए अब फिर से सिमुलेशन करवाते हैं। अब हमारा देखिए प्रोग्राम सही है, सिमुलेशन स्टार्ट हो गया है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस मेरी 0 है, इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ यहाँ से। ये देखिए मैंने ब्राइटनेस की, ये देखिए लिख के आ गया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर डॉट 87। यहाँ पे वेलकम टू थोड़ा कट रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, इस कर्सर को थोड़ा चेंज करना होगा। सो मैं सिमुलेशन स्टॉप करता हूँ, और ये कर्सर 7 है, तो मैं 4 से या फिर 3 से लिख लेता हूँ, ताकि मेरा पूरा वेलकम टू आ जाए। तो अब देखिए मैं फिर से एक बार सिमुलेशन करवाता हूँ। अब देखिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर डॉट 87, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर डॉट 87। ये देखिए बार बार ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप जो भी चाहे स्क्रीन पे जो आप लिखवाना चाहते हैं वो आप लिखा सकते हैं प्रोग्राम में चेंज करके। सो लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ा है तो हमारी चैनल इंजीनियर डॉट 87 को सब्सक्राइब और शेयर एंड लाइक कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके सामने आऊँगा बढ़िया वीडियो लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।